हमेशा से ही गरीब असहाय लोगों के अंतिम संस्कार में मदद करने वाली गरीब नवाज कमेटी के द्वारा भानतलैया नगर निगम जॉन के पास मृत हुए व्यक्ति का अंतिम संस्कार रानीताल मुक्ति धाम में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मृतक के भाई से करवाया गया। दरअसल हनुमानताल पुलिस के द्वारा इसकी जानकारी गरीब नवाज कमेटी को दी गई थी, जिसके बाद सूचना पर कमेटी के सदस्य पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करवाया गया। ये विजय सिंह ठाकुर हैं, जो कि असहाय गरीब हैं। ये अपने भाई के साथ जो भी रोज़गार का कार्य करते हैं, अब तो वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। नगर निगम जॉन के सामने उनका भाई किसी बीमारी के तहत ख़त्म हो गया अभी आज 15-20 मिनट पहले। इनकी स्थिति वैसी नहीं है कि वो अंतिम संस्कार वगैरह कर सकें, तो बाड़ी के पास ही वो काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, जिसे थाना हनुमानताल की पुलिस ने अपने को सूचना दी है कि भाई इनका परिवार है मगर ये असहाय हैं और इनका अंतिम संस्कार जो है इनके भाई के हाथों से ही रानीताल मुक्ति धाम में गरीब नवाज कमेटी द्वारा कराया जाएगा। उर्फ बिज्जी ठाकुर की शव पड़ा हुआ था, जो हम लोगों ने यहाँ पे आके मर की कार्रवाई करने के लिए आए, तो ये पता चला हम लोगों को कि जो विजय बिज्जी की मृत्यु हुई है, उसके घर वालों ने बताया कि उसको काफ़ी समय से बीमारी थी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है, और उसके दाहिने पैर में कोई पुरानी इंजरी भी थी, इसकी वजह से इन्फेक्शन फैल गया है और संभवतः इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। क्या उम्र रही होगी? इनकी उम्र 40 वर्ष है। और ये कुछ काम वगैरह करते थे? नहीं, ये तो जनरली भीख मांगने का काम करते थे, जैसा कि इनके परिवार वालों ने बताया था। खेरमाई मंदिर के आसपास और इसी क्षेत्र में भानतलैया क्षेत्र में भीख मांग कर ही अपना भरण पोषण करते थे। ये इनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है, लेकिन जैसा ये लोग बता रहे हैं इनके परिवार वाले कि हम लोग यहीं पे रहते थे, भीख मांगते थे और जहाँ भी स्थान मिलता था वहाँ पे हम लोग सो जाते थे।